लंदन में पीटीआई के हिमायती आमिर वसीम को पाकिस्तान हाई कमीशन को नुकसान पहुंचाने का मुजरिम करार दे दिया गया। 51 साल आमिर वसीम चौधरी ने चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज करते हुए पाकिस्तान हाई कमीशन को नुकसान पहुंचाया था। बरतानवी क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने क्रिमिनल डैमेज की फर्दे जुर्मायत की थी। मुलजिम ने 18 मई की रात को पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने हकीकी आजादी के नारे लगाए और बिल्डिंग में दाखिल होने की कोशिश की। इस बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा सुर न्यूज मुश्तबा अली शाह ने। मुश्तबा, कहिएगा कि क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन की इमारत पर हमला करने वाले आमिर वसीम चौधरी को 18 मई की रात हकीकी आजादी के नारे लगाने और फिर इमारत में दाखिल होने की कोशिश पर क्रिमिनल डैमेज की फर्द जुर्म आयद की गई है। बरतानवी क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने मेट्रोपोलिटन पुलिस के फाइनल देने पर मशरकी लंदन के रिहायशी मोहम्मद वसीम चौधरी पर फर्द जुर्म आयद की है। इब्तदाई तहकीकत में अमर वसीम चौधरी ने वेस्ट मिनिस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में जुर्म से इनकार पर तमाम शवाहद जब उनको दिखाए गए तो उसके बाद उन्होंने जुर्म तस्लीम कर लिया है। अब अदालत ने आमिर वसीम चौधरी को पाकिस्तानी हाई कमीशन को पहुंचाए गए नुकसान का अजाला करने का हुक्म भी दिया है और शवाहद में बताया गया है कि आमिर वसीम चौधरी ने इमारत की खिड़की भी तोड़ी है और उस वक्त हाई कमीशन में अमले के 2 अफराद भी मौजूद थे जिन्हें गालियां भी दी गई और हरासा किया गया। इस वाक़े पर पाकिस्तानी सफारती हुकाम ने फॉरन ऑफिस से हाई कमीशन और उसके मिशन की हिफाजत के लिए को हिफाजत को यकीनी बनाने का मुतालबा भी किया है। ठीक है, मुलजिम ने शवाहिद देखने के बाद जुर्म तस्लीम कर लिया है। नुमाइंदा सुनो न्यूज़ लंदन मुश्तबा अली शाह, आप डिटेल्स दे रहे थे, आपका शुक्रिया।